फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस इन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। फ्रेंड्स, अगर आप एनालिसिस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको जानना है ओइंग करना। ओइंग के बाद जो नेक्स्ट चीज आपको जानना है, बेसिक थिंग, वो है सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस। सॉल्यूशन प्रिपरेशंस क्यों चाहिए, क्यों करना है? क्योंकि एनालिसिस का एक पार्ट है सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस। एनालिसिस में आपको सैंपल ओए करना है, फिर उसको सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस करना है, फिर ही उसको डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक में वो सॉल्यूशंस का यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हो। ये सॉल्यूशंस दो टाइप का हो सकता है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, सैंपल सॉल्यूशन हो सकता है, और रेफरेंस सॉल्यूशन हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस में आपका प्रोसीजर में मेंशन किया होगा कौन सा टाइप का सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन प्रिपरेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वहां पे आप सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, और डिफरेंट वोलाटाइल सॉल्वेंट का मिक्सचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो सॉलिड वर्सेस लिक्विड, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट आपका सॉलिड रहेगा और लिक्विड रहेगा कोई सॉल्वेंट्स। तो सॉल्यूट को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूट मतलब जो चीज को आप डिजोल्व करना चाहते हो, वो आपका सैंपल हो सकता है, वो आपका स्टैंडर्ड हो सकता है, बट वो सॉलिड स्टेट में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितना क्वांटिटी आपको सॉलिड मटेरियल चाहिए और आपका सॉल्यूट चाहिए, वो आपको एक कैलिब्रेटेड बैलेंस में सबसे पहले उसका वे करना है। ये फर्स्ट स्टेप है सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस का। दोस्तों, नाउ सॉल्यूशन प्रिपरेशंस का स्टेप टू, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो सॉल्यूट को वे किया कैलिब्रेटेड बैलेंस में, उसको आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और जहां पे भी आप सॉल्यूशंस बनाने चाहते हो, चाहे बीकर हो सकता है, चाहे और कोई ग्लास ग्लासर्स हो सकते हैं, वहां पे आपको सबसे पहले वो सॉलिड मटेरियल को आपको ट्रांसफर करना है। सॉलिड मटेरियल को आपको ट्रांसफर करने के बाद आपको नेक्स्ट जो करना है, आपको जो सॉल्वेंट में उसको सॉल्यूशंस बनाना है वो सॉल्वेंट थोड़ा सा ऐड करना है। मतलब सपोज आपने यहाँ पे, मैंने जो पिक्चर में आप देख सकते हो कि 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वो 500 ml का आधा आधा हम लोग किया है, कभी कभी 40% भी आप ले सकते हो, उतना तक सॉल्वेंट आपको उसमें ऐड करना है। तो इसमें आपको सॉल्यूट सॉल्विट एंड सॉल्वेंट दोनों ऐड अप हो गया। दोस्तों, नाउ अभी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, मिक्सिंग करना है। जो आपने पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि आधा तक आपने सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दिया, आपको जहां पे सॉल्यूशंस बनाना है। ये जो मिक्सिंग करने के टाइम आपको क्या करना है, ग्लासेस को थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशंस में पकड़ना है। स्लैंटिंग पोजीशन में इसलिए पकड़ना है कि सपोज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो अपर पोर्शंस में जो आपका सॉल्यूट और सॉलिड मटेरियल टच होके वहां पे स्टक हो गया है, वो थोड़ा उसको आपको वहां से ले लेना है। इसमें और एक तरीका भी आप कर सकते हो, पीपेट से आपका थोड़ा सॉल्वेंट्स आप एकदम जो टॉप पोजीशन है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और बीकर का, वहां पे आप राउंड सर्कल से उसको आप रिंस कर सकते हो। तो वहां पे ऊपर का जो सॉल्यूट पोर्शन से वो पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी सॉल्वेंट सॉल्यूट आपका ऊपर पोर्शन में रह जाएगा, वो तो पूरा नीचे नहीं आएगा, फिर आपका जो सॉल्यूशन आप बनाने वाले हो वो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा, होमोजीनियस नहीं बनेगा, आपका स्ट्रेंथ जो बनाने वाले तो उससे कम हो जाएगा। इसमें आपका सॉल्यूशन प्रिपरेशंस में मिक्सचर है, तो ये सॉल्यूशंस मिक्सिंग स्टेप में बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है, क्योंकि पूरा आपको इंश्योर करना है जितना सॉल्यूट आपने लिया पूरा वो सॉल्वेंट के अंदर आ गया है, कहीं पे भी किधर में भी कुछ स्टिक नहीं हुआ, ये आपको इंश्योर करना है इसी स्टेप में। फ्रेंड्स, नाउ अभी फाइनल स्टेप है वॉल्यूम मेकअप। आप वॉल्यूम मेकअप में आप जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आप लिए होंगे, उसका नेक पोजीशन से थोड़ा नीचे उसका मार्क रहता है, आप देख लेना। तो उस मार्क मार्क जो है उसका मार्क्स में आपको उतना तक आपको सॉल्वेंट ऐड अप करके उसको मिक्स कर देना है। तो अभी इसमें एक ध्यान रखना दोस्तों, अगर कलर सॉल्यूशन है तो आपको अपर मिडिस्कस वो मार्क वो जो सॉल्यूशन लेवल का जो अपर मिडिस्कस है वो मार्क को टच करना है, और कलरलेस है तो जो सॉल्यूशन लेवल का लोअर मिडिस्कस है वो मार्क को टच करना है, ये आपको इंश्योर करना है। फिर उसको आप प्रॉपरली मिक्सिंग्स करके फिर आपका सॉल्यूशंस तैयार हो गया। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल तरीका से कैसे सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है, तो इसको मैं बताने का कोशिश किया है। सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस के लिए आपको ध्यान देना है, आपने जो सॉल्यूट वो सॉल्वेंट आप ले रहे हैं, जो आपका स्पेसिफिकेशन STB में जैसे बताया उसी के हिसाब से आप ले रहे हो, ठीक है। आपको बैलेंस कैलिब्रेटेड ही लेना है। आपका वॉल्यूमेट्रिक ग्लासर्स अगर लेना है तो एक क्लास लेना है, एक क्लास मीन्स ये सर्टिफिकेट के साथ आता है, और बीकर में आप बना रहे हो तो आपको मेजरिंग सिलेंडर लेना है, मेजरिंग सिलेंडर भी एक क्लास लेना है। तो ग्लासर्स में जो एक क्लास आता है वो मैन्युफैक्चरर से सर्टिफिकेट के साथ आता है, और उसमें से आपको मालूम पड़ता है कि भाई
ये मेरा सर्टिफाइड ग्लास वेयर से, इसमें जो वॉल्यूम मेकअप हो रहा है पर्टिकुलर जो टेम्परेचर मेंस एंड है सपोज 26-27 डिग्री, तो जितना वॉल्यूम वहाँ पे मेंशन किया है उतना ही बन रहा है, उसका डेंसिटी के हिसाब से उतना ही बन रहा है। तो ये सॉल्यूशंस प्रिपरेशन में आपको खास करके ध्यान देना है। सॉल्यूशंस प्रिपरेशन एक्चुअली ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि आपका सॉल्यूशंस प्रिपरेशन वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस आप बनाने में और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सैंपल सॉल्यूशंस बनाने में थोड़ा सा भी आपका दिक्कत आ गया तो आपको इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एनालिसिस में पड़ता है। तो सॉल्यूशंस प्रिपरेशन इज बहुत ही क्रिटिकल है, ओइंग जैसा क्रिटिकल है, सॉल्यूशंस प्रिपरेशन भी उतना ही क्रिटिकल है। आप सॉल्यूशन प्रिपरेशंस कहाँ कौन सा भी एनालिसिस में लगता है, ये वेट केमिस्ट्री हो सकता है, चाहे एचपीएलसी में ये हो सकता है, चाहे जीसी में, कोई भी एनालिसिस में सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस 99% केसेस में आपको करता है, आइदर छोड़ के वो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शंस और सम आइडेंटिफिकेशंस काइंड ऑफ छोड़ के, बट 99% ऑफ एनालिसिस में आपको सॉल्यूशंस प्रिपरेशन करना होता है और बहुत ध्यान से आपको बनाना होता है। दोस्तों ये आपको मेरा ये टॉपिक कैसे लगा, आप थोड़ा रिमार्क्स से कॉलम सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में, और दूसरा कौन सा टॉपिक में आपको सुनना है इसके बारे में मेरे को और थोड़ा जानकारी दीजिए और कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऑल द बेस्ट।